नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं पंकज सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं राजस्थान में लगातार चल रहे सियासी घमासान की। आपको बता दें कि राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। ये मैं नहीं, राजस्थान की जनता बोल रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार सियासी उठापटक दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार ने इतने समय तक अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी थी, तो वहीं सचिन पायलट उस बाड़ाबंदी के दौरान 19 विधायकों को अपने साथ हरियाणा लेकर चले गए। आपको बता दें कि एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी जिसके प्रतिदिन 300 केस राजस्थान के अंदर आ रहे थे, लेकिन वहीं आज वो केस बढ़ करके 1200 से पार पहुंच चुके हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के अंदर जो उपलब्ध है विधायक, वो आपस में एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह आचार्यवास साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट नेकर पहनते थे, मैं उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रह चुका हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश वाकड़ का कहना है कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह आचार्यवास को परिवहन मंत्री का पत्र सचिन पायलट की वजह से ही दिया गया है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक समय कोरोना काल जो इस समय बहुत ही जोरों शोरों पर है, उस समय कोरोना पर ध्यान ना देकर के सियासी घमासान पर ध्यान दिया जा रहा है। यह बहुत ही गलत हो रहा है राजस्थान की जनता के साथ में। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की। कांग्रेस में मुझे और पायलट को, दोनों को राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने सबको टिकट देता आला कमान। जब पायलट साहब निक्कर पहनते थे ना, तब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया था 92 में। की गई है, मैं समझता हूँ कि प्रताप सिंह जी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत सालों तक वो बीजेपी कांग्रेस करते रहे और आखिर में अभी भी जो उनको एक कद मिला, चाहे वो जयपुर के जिला अध्यक्ष बने, चाहे परिवहन विभाग उन्हें मिला, उसमें भी अगर सचिन पायलट ना होते तो शायद उनको ये मुकाम नहीं मिल पाता। तो मैं ये प्रताप सिंह जी से कहना चाहूँगा कि क्या कोई गहलोत साहब ने आपकी कच्ची रग दबा रखी है? जो परिवहन विभाग पे जो एसीबी के छापे पड़े, उसमें कोई कह रहे हैं कुछ वीडियो उनके हाथ लगाए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक सीनियर नेता के तौर पर इस तरीके के बयान ना दें तो जनता, मैं समझती हूँ, ज़्यादा अच्छा आपको समझेगी। तो जमीर बेचने वालों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, और जो लोग आज गलतफहमी में किसका संघर्ष, किसका इतिहास, जयपुर में एक एक आंदोलन जो भी हुआ, वो सारे आंदोलन प्रताप सिंह खाचरियावास ने किए, सारा खर्चा मैंने किया, ये मुझे नहीं समझाएं। ज्ञानबाजी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मेरी तरफ देखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ध्यान रखें, और इस तरह की झटपटाहट और इस तरह की जो ओछी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो जनता सब समझती है, राजस्थान की जनता सब जानती है कि कौन गुलाम है और कौन स्वतंत्र रूप से अपनी आजादी के लिए, कौन स्वतंत्र रूप से अपनी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रहा टकराव थम नहीं पा रहा। राजभवन ने गहलोत सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने की मांग वाली तीसरी फाइल को भी वापस लौटा दिया है। राजभवन ने सरकार से कहा है कि कोरोना काल के मद्देनजर हम एट होम का कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा सत्र क्या है, औचित्य क्या है उसका? 1000 कर्मचारी और 200 विधायक की कोरोना काल से सुरक्षा कैसे होगी? वहीं सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने के अभी राजभवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में चल रहा सियासी घटनाक्रम समाप्त होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा। अब बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने 2 याचिकाओं के जरिए विलय को असंवैधानिक बताते हुए स्पीकर के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है। भाजपा विधायक की याचिका पर बुधवार को जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ सुनवाई करेगी। खाचरियावास ने कहा कि गांधी परिवार ने पायलट और मुझे टिकट दिया, उन्होंने पायलट पर कंज भी तसा। उन्होंने कहा कि जब पायलट निक्कर पहनते थे तब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया था, लेकिन क्या एक परिवहन मंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोलना शोभा देता है? यह बहुत ही निंदनीय कार्य है। आपको साथ साथ बता दें कि एक तरफ तो कोरोना महामारी जो इतनी चरम सीमा पर चल रही है, उस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके बदले सरकार को बचाने पर लोगों का ध्यान और सरकार का ध्यान अधिक एकत्रित है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
राजस्थान में लगातार सियासी घमासान पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए।